कहाँ से आ रहे हैं? तो हम लोग जो है ट्रेन के अंदर में लोगों को जागरूक करते हैं और उनको ये बताते हैं कि जब आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है। और आप कैमरे के सामने भी हैं और ये पूरे लोग इसके माध्यम से जानेंगे और लोगों को मदद भी करेंगे। और इसको जरा सी इधर ले आए आप आगे की तरफ। और अभी हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, हमारे साथ काफ़ी पैसेंजर्स हैं, आरपीएफ परिवार के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। हम इनके सामने पूरा अवेयरनेस करके आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ट्रेन में किस प्रकार से लोग जब यात्रा करते हैं किस प्रकार से जहर खुरानी नशा खुरानी के लोग उनको अपना शिकार बना लेते हैं। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हो, आपसे अपील है आरपीएफ जीआरपी और रेल प्रशासन और केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ की तरफ से इसको जरूर आप शेयर करें ताकि जब भी लोग यात्रा करें ट्रेन में तो किसी व्यक्ति का जहर खुरानी नशा खुरानी या किसी भी ऐसे व्यक्ति का वो शिकार ना हो सके। जैसे अभी हम आपको दिखाएंगे, इनसे बात कर रहे हैं कि ये भागलपुर तक जा रही हैं और अभी हमने इनसे कहा कि भागलपुर आप कहाँ से चली हैं? साहेबगंज से। ये साहेबगंज से भागलपुर सफ़र कर रही हैं और अभी इनके पास में मैंने पूछा प्रसाद बिस्किट चाय लेंगे तो इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि इस बात को ये जानती हैं कि ट्रेन के अंदर में चाय बिस्किट प्रसाद वगैरह नहीं खाना। लेकिन हम इनसे इनके पास एक पानी की बोतल है और मुझे काफ़ी प्यास लगी है, मैं इसलिए इनसे पानी की बोतल लेकर पीऊँगा और इन्हीं की पानी की बोतल से इनको बेहोश कर दूँगा। आप देखेंगे मैडम, क्या मैं पानी की बोतल ले सकता हूँ, पानी पी सकता हूँ? धन्यवाद। ये आप बोतल देख रहे हैं जो इनकी बोतल है, आप देखें इनको दिखाएं कैमरा में और इनकी पानी की बोतल मैं ले चुका हूँ, इधर करें। और ये आपके सामने है, ये पानी की बोतल है, मैंने इसको खोल लिया है, देखेंगे ये बोतल खुल चुकी है और इसके अंदर में मैं पानी पी लिया, देख पा रहे हैं पानी पिया। और ये जो आप ढक्कन देख रहे हैं इस उंगली में केमिकल है जो इसमें सट गया, देखेंगे ये केमिकल इसमें सट गया, देख पा रहे हैं आप। कुछ नहीं करना है, मैं इनसे बस बात ही कर रहा हूँ, उनके सामने बैठा हूँ, मैडम बहुत अच्छा है, धन्यवाद आपने पानी पिलाया। तब तक मैं जो है मैंने इस ढक्कन को बंद कर दिया और इनको इस तरह से उल्टा दिया ताकि ये इसमें मिक्स हो गया, जो इसमें केमिकल है वो इस बोतल में मिक्स हो चुका है। और मिक्स होने के बाद अब ये बोतल मैंने इनको दे दिया और इनको कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपने पानी पिलाया मेरे को। अभी ये कुछ देर के बाद एक घंटे दो घंटे ढाई घंटे में ये जब रात को उठेंगी या जब भी इनको पानी की प्यास लगेगी तो ये पानी पियेंगी और पूरी तरह से बेहोश हो जाएंगी और इनका सारा सामान हम ले के अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे और इनको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। जब ये ट्रेन अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचेगी तब आरपीएफ और जीआरपी के लोग को सूचना मिलेगी। कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें काफ़ी विलंब हो गया, 12 घंटे 14 घंटे हो गए और जानकारी नहीं मिल पाई, तो ऐसे स्थिति में कई लोगों की जान भी चली गई है। साथ ही जब कोई व्यक्ति सोया होता है तो ट्रेन के अंदर में पैसेंजर यही समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सोया हुआ है, हम क्यों उठाएं। जब ट्रेन अपने लास्ट गंतव्य स्टेशन में पहुंचती है तब इसकी जानकारी हो पाती है, तब उसके बाद उसको ट्रीटमेंट के लिए आरपीएफ और जीआरपी के माध्यम से भेजा जाता है और उसकी सूचना उनके आधार कार्ड या टिकट जो कंफर्म होती है उसके एड्रेस के हिसाब से उनके परिवार को सूचना दी जाती है। मैं आपको इस बात को पुनः बताना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति आपका अपना ट्रेन में जहर खुरानी नशा खुरानी का शिकार हो जाता है, उस व्यक्ति की हालत एक मरे हुए व्यक्ति से बदतर हो जाती है। उस व्यक्ति को पता नहीं होता वो कौन है, कहां से आया है और कहां जाएगा। उस वक्त सिर्फ आरपीएफ और जीआरपी के लोग ही उनकी मदद कर पाते हैं। इसलिए आपसे मैं विनती करता हूँ, आरपीएफ जीआरपी रेल प्रशासन और केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ की तरफ से कि आप जब भी ट्रेन में चले पूरी तरह से सावधान रहें, मोबाइल चार्जिंग में जब भी लगाएं, रात को सोने के पहले उसे खोल के अपने पास रख लें, पावदान पर खड़े होकर यात्रा ना करें, चेन पुलिंग ना करें, पूरी तरह से टिकट लेके यात्रा करें और लोगों को सहयोग करें।